जनपद संभल की चंदोसी के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चितौरा निवासी आईटीबीपी के शहीद जवान प्रदीप यादव को आज उनके पृथक गांव चितौरा में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि जनपद संभल की चंदोसी के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चितौरा निवासी प्रदीप यादव आईटीबीपी के जवान थे और इस समय अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर तैनात थे, जहाँ पर अपने कर्तव्य पालन के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हो गए। आज जब उनकी बटालियन के उनके साथी उनके पार्थिव शरीर को पृथक गांव में लेकर पहुंचे तो वहां पर शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की काफी भीड़ एकत्रित हो गई। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी, जिलाधिकारी संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा मौजूद रहे। इस मामले में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि सरकार द्वारा की गई सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें शहीद के माता पिता को 15 लाख रुपए व पत्नी को 35 लाख रुपए तथा एक परिजन को सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जैसे शासन ने घोषणा की है, सारी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। इनके इन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें इनकी पत्नी को 35 लाख रुपए और 15 लाख रुपए इनके माता पिता को दिए जाएंगे। एक नौकरी की बात की गई है, एक नौकरी की प्रक्रिया जल्दी है स्टार्ट हो जाएगी। ये सब जो अंत्येष्टि क्रिया सब समाप्त करने के बाद इसमें शुरुआत कर दिया जाएगा। हर एक तरह का नामकरण इनके शहीद के नाम किया जाएगा। तो ये तो ग्राम पंचायत को इस पर फैसला करना पड़ेगा। इस पे जो संभव सहायता हो पाएगी हम करेंगे।